कोई साथी मन पर बात कर दे। ठीक है, मैं मंत्र पाठ कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग रूम कर लेना। रिकॉर्डिंग ऑन है। ओम आनह इडा भी विदथे सुसस्ति विश्वानरह सविता देव एतु अपि यथा युवानो मत्सथानो विश्वम जगत अपि अभिपित्वे मनीषा। मंत्र मंत्रार्थ नह हमारे लिए इडाभि सुस्तुतियों धारण दर्शन छेदन द्वारा विदथे विशेष ज्ञान में सुसस्ति उत्तम प्रशंसित काटने वाला विश्वानरह विश्वनायक सविता उत्पन्न करता ऐश्वर्यवान प्रेरक देव दिव्य प्रकाशमान आयेतु आये प्राप्त हों अपि निश्चय ही यथा जैसे नो हमारा युवानों युवा मिलनशील विश्वम सभी जगत गतिशील संसार को अभिपित्वे अभिगमन में मनीषा मनन द्वारा मत्सता आनंदित हर्षित करें। भावार्थ परमात्मा अथवा उपासक विश्व मानव बनकर सुसस्ति अर्थात उत्तम प्रशंसित धारण करने वाला होता है। वह प्रयास परिश्रम से धारणा शक्ति प्राप्त करता है। इसकी साधना में उसे दर्शन को भी सहन करना पड़ता है। युवाओं को हर्षित तृप्त होने के लिए अनीसा अर्थात मनन विचार करने की आवश्यकता होती है। इडाभि पद में इड धातु सुस्पष्ट है। इड धातु का अर्थ धारण करना दर्शन करना छेदन करना होता है। इड धातु का अर्थ स्तुति करना है। उससे भी इडा शब्द को व्युत्पन्न माना जाता है। विद धातु का प्रमुख अर्थ जानना है समझाना वास करना स्थिर रहना भी विद धातु के अर्थ हैं। अतः विदत्थ का मुख्य अर्थ ज्ञान के साथ ही विद्वानों ने इसका अर्थ घर भी किया है। सुसस्ति पद में सु उपसर्ग के साथ सस संस धातु मानकर इसका अर्थ उत्तम प्रशंसित माना गया है। सस धातु का अर्थ काटना है। धात्वादि निरुक्त आ उपसर्ग नह सर्वनाम इडाभि इड धारण करना दर्शन करना छेदन करना इड स्तुति करना विदथे विद जानना सुसस्ति सु उपसर्ग संस स्तुति प्रशंसा करना विश्वानरह विश्व सर्वनाम नृ ले जाना सविता सुर ऐश्वर्य होना पराक्रम होना चमकना सु उत्पन्न करना ऐश्वर्य होना सींचना सु प्रेरणा करना देव दिव प्रकाश करना स्तुति करना आनंद करना प्रीति करना एतु आ उपसर्ग ई ए जाना अपि अव्यय यथा अव्यय युवानों यू मिश्रित करना पृथक पृथक करना मत्सथा मद हर्षित होना तृप्त होना नो सर्वनाम विश्वम सर्वनाम जगत जग गति करना लेना दर्शन करना अभिपित्वे अभि उपसर्ग पा रक्षा करना पालना करना पालन करना पी जाना मनीषा मन मनन करना विचार करना स्वीकार करना। ओम खम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 34 ॐ आनः इडाभि विदथे सुस्वस्ति विश्वानरः सविता देव एतु अभि यथा युवानो मत्सथानो विश्वं जगत् अभिपित्वे मनीषा। आनः आ उपसर्ग नः हमारे लिए सर्वनाम
इडा भी ही, इडाओं द्वारा इडा को समझे। इड धातु का अर्थ स्तुत करना है। सामान्यता इडा का अर्थ स्तुति और स्तुत करता ही ग्रहण किया जाता है। इड धातु का अर्थ धारण करना है, घर्षण छेदन करना भी है। इडा भी पद में इड धातु को भी स्वीकार करना होगा। स्पष्ट है इडा भी में इड तो स्पष्ट है, परंतु इड धातु से इसका अर्थ सामान्यता विद्वानों ने किया है, तो दोनों ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो इड धातु से इसका अर्थ हम धारण करना ले सकते हैं और इड स्तुत करना तो है ही। इडाभी का अर्थ धारण करने वालों द्वारा अथवा स्तुत करने वालों द्वारा या उनके साथ ऐसा ग्रहण करेंगे। तृतीया करण कारक में द्वारा और साथ दोनों अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। इडाभी इडाओं द्वारा, इडाओं के साथ बहुवचन में है भी हम जानते हैं। तो स्तुतियों द्वारा स्तुतियों के साथ, धारण द्वारा धारणकर्ताओं द्वारा धारणकर्ताओं के साथ, विदथे विद्वानों में, विद जानना विदथ जानकार जानने वाले विद्वान, स्तुतियों द्वारा धारणाओं द्वारा विद्वान में स्पष्ट है। सुशस्ति सुंदर स्तुति सामान्यता इसका यही अर्थ किया गया है। सस धातु का अर्थ काटना है। उत्तम प्रकार से काटने वाले जो भ्रम जाल हो, जो भी समाज में भ्रम फैले हो, उन्हें जो विद्वान हैं वे स्तुतियों के साथ उत्तम धारणाओं के साथ भ्रम जाल को काटते हैं। यह भाव यहाँ हम सुशस्त का ग्रहण कर सकते हैं कि उत्तम प्रकार से सभी भ्रमों का निवारण करने वाले, भ्रम जाल को काटने वाले सुशस्ति विश्वानरह विश्वनायक, इसका हमने सब देने का प्रयास किया है। विश्वानरह विश्वनायक, विश्व सभी, नरह नृधातु ले जाना, नरह ले जाने वाला, विश्वानरह जो सबको सही दिशा में ले जाए वो विश्वनायक कह सकते हैं। सविता सु धातु है, बहुत बार आ चुका है, हम सब परिचित हैं। सुधातु का अर्थ ऐश्वर्य होना, सृजन करना, सुप्रेरणा करना, तीनों ही अर्थ हम ग्रहण करते हैं। सृजनशील ऐश्वर्यवान प्रेरक देव दिव्य प्रकाशमान हेतु प्राप्त हो, हेतु में ही गत्यर्थक धातु है जिसका अर्थ गमन करना, जानना, पाना, प्राप्त होना होता है। यहाँ पर प्राप्त करने का ही अर्थ है, सभी विद्वानों ने यही अर्थ स्वीकार किया है, उचित भी है। तो विश्वनायक सविता देव प्राप्त हूं, कहते हैं इडाओं द्वारा स्तुतियों धारणाओं द्वारा विद्वानों में उत्तम प्रशंसित अथवा उत्तम प्रकार से भ्रम जाल को काटने वाले विश्वनायक सविता देव हमें प्राप्त। अपि यथा युवानो मत सतानो, अपि भी यथा जिस प्रकार युवानो युवा, युवा किन्हें कहते हैं, युद्धातु का अर्थ है मिलाना, अलग करना,
आप देखेंगे युवाओं में मिलनशील होने का भाव स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक होता है। युवा एकांतवासी नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। इस आयु में हम यही प्रयास करते हैं भाई, अब एकांत साधना कर रहे हैं, बहुत अधिक इच्छा नहीं है आने जाने की, बहुत इधर उधर, तो कह सकते हैं इस आयु में आते आते व्यक्ति उस भाव को प्राप्त हो जाता है। युवा अवस्था में वह सामान्यता मिलनशील होता है, जिज्ञास होता है, इनसे उनसे सबसे मिलना चाहता है, सर्वत्र आना जाना चाहता है, सब कुछ देखना जानना चाहता है, यह बिल्कुल उचित है, स्वाभाविक है, उन्हें हम युवा कहते हैं। शाब्दिक अर्थ है मिलनशील, तो शाब्दिक अर्थ में हम मिलनशील इसका अर्थ करेंगे, कोई भी हो सकता है, इसमें कोई आयु व्यय का प्रश्न नहीं भी होगा, और परोच भाव कह सकते हैं युवा वही है जिनमें मिलनशीलता बहुत अधिक होती है। अब यथा युवानो मत सतानो, जो ऐसे युवा हैं मिलनशील हैं, वे हमें इस प्रकार आनंदित करें। विश्वम जगत अभिवित्ते मनीषा, विश्वम सबको जगत गतिशील, जगत का अर्थ भी सामान्यता हम लोग इस समय इस संसार को पृथ्वी को कह देते हैं, उसे हम विश्व भी कहते हैं, जगत भी कहते हैं, संसार भी कहते हैं, क्यों और कैसे कहते हैं यह भी हमें जानना चाहिए। जग धातु का अर्थ गति करना है, ग्रहण करना भी है, तो जगत का अर्थ हुआ गतिशील। संसार क्या है? सम उपसर्ग और सार श्री गत्यर्थक धातु से सार बना, सर और सार श्री धातु है, सरत गच्छति, श्री धातु का रूप बनता है सरत, चलता है, आप पहले सरकता है, श्री धातु से सरना सरकना, ये रूप वर्तमान आधुनिक भाषाओं में आपको मिलता है। संसार सम्यक रूपेण सरत गच्छति इति संसारा, जो सम्यक रूपेण भले भात चलता है, गतिशील होता है, गति करता है, उसे संसार कहते हैं। जगत का अर्थ भी है जगत, धातु का अर्थ है गति करना, जो गतिशील है उसे जगत कहते हैं, जो सम्यक रूपेण गति करता है उसे संसार कहते हैं। विश्व का अर्थ है सब, जब हमने सबको समाहित कर लिया तो उसे कह दिया विश्व, पूरा विश्व, ये सब इसमें आ गए, तो विश्व जगत संसार अलग अलग शब्द हैं, उसको हमने लौकिक अर्थ में एक भाव में ग्रहण कर लिया है, सबको समाहित कर लिया तो विश्व कहा, और गति करने के अर्थ में जगत और संसार कहा। ये भी हमें समझना चाहिए, ये शब्द अर्थ कैसे ग्रहण करते हैं। तो विश्वम जगत, ये जगत जो गतिशील है, वे विश्वम विश्व सभी अभिपित्वे मनीषा, मनीषा मननशीलता द्वारा अभिपित्वे पालित रक्षित है, पालन रक्षण करता है, पा धातु का अर्थ पालन करना है, रक्षण करना है, और पी धातु का अर्थ गति करना भी। तो अभिपित्वे, अभी तो उपसर्ग है, अभिता परिता सब ओर से जो पालन रक्षण करने वाले हैं उनके लिए कहा गया है अभिपित्वे मनीषा, मननशील लोग इस प्रकार इस संपूर्ण जगत का पालन रक्षण करते हैं, करना चाहिए, यह प्रेरणा यह भाव हमें इस मंत्र से ग्रहण करना चाहिए। इस मंत्र की चर्चा तो यहाँ पर एक प्रकार से पूर्ण होती है, हम इसे यहाँ विराम दे सकते हैं। ओम पुलकित जी, विक्षी जी बताएं आगे क्या विचार है। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।
हाँ अभी समय तो पर्याप्त है, तो पाठ आदि या जो भी चाहे अगला मंत्र आगे बढ़ा जाए, अभी संभावनाएं। गुरु जी अगला मंत्र ही ठीक है, समय काफी है। यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 35 गायत्री छंद है। ओम यत अद्य कच्च व्रत्रहन उत अगा अभि सूर्य सर्वं तत् इंद्र देवसे। इसमें यत जो अद्य आज कत कितना क्या क्या और व्रत्रहन ये संबोधन है, हे व्रत्रहन हे व्रत का हनन करने वाले, व्रत अर्थात हिंसा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जानते हैं, व्रत धातु का अनेक अर्थ है उसमें एक हिंसा करना भी है, तो जब हम व्रत्रहन कहते हैं तो उसका भाव होता है हिंसा का हनन करने वाला, तो हे हिंसा का हनन करने वाले उत अगा अभि सूर्य, उत उपसर्ग है उच्च ऊपर के अर्थ में आता है, अगा इस अगा में ये अगा क्रिया है, आ क्रिया उपसर्ग है, अगा का अर्थ गया। अभि सूर्य जो सूर्य सृजनशील ऐश्वर्यवान प्रेरक है उसे सूर्य कहते हैं, सु सु धातु है, अभी सप्ताह में भी हमने कहा वही अर्थ है, इसीलिए सामान्यता लोग सूर्य और सविता को पर्यायवाची मानते हैं, सूर्य को सविता भी कहते हैं अथवा सविता का अर्थ सूर्य भी करते हैं, ये ठीक है दोनों के धातु समान है तो शाब्दिक अर्थ भी समान होगा, परंतु किसी वस्तु के लिए किस प्रकार से उसको समान कहते हैं वह अलग प्रकरण है, इतनी जानकारी यहां मुझे लगा उपयोगी होगी। तो हम प्रत्रहन हिंसा का हनन करने वाले परमेश्वर को संबोधित कर रहे हैं कि जो आज यह सूर्य ऊपर की ओर गया है, यह सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा ने उच्चता प्राप्त की है, सर्वम तत् इंद्र देवसे, सर्वम सब तत् वह इंद्र, हे परमेश्वर, इंद्र भी संबोधन में है, इंद्र शब्द का अर्थ हम लोग जानते हैं, यदि इंद्र परमेश्वर धातु से इंद्र शब्द की निष्पत्ति है, इंद्र धातु का अर्थ होता है परम ऐश्वर्य होना, इंद्र शब्द का अर्थ हुआ परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर, तो व्रत्रहन भी संबोधन का पहले आया है, हिंसा का हनन करने वाले परमेश्वर, ये परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर इंद्र, सर्वम तत् वह सब ते तुम्हारे वशे वश में है, कह रहे हैं हे हिंसा का हनन करने वाले, हे परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर, ये जो सूर्य ऊपर जा रहा है ये सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा का सद्भाव जो ऊपर जा रहा है, इसकी उन्नति हो रही है, आज यदि हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा का भाव समाज में उच्च प्रतिष्ठित कर पा रहे हैं, आगे बढ़ा पा रहे हैं, सर्वम तत् इंद्र ते वसे, हे परमेश्वर वह सब तुम्हारे ही वश में है, तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे ही शक्ति से प्रेरणा से तुम्हारे ही सहारे हम भी ऐसा कुछ कर पाते हैं, यह इस छोटे से गायत्री मंत्र का उत्तम अर्थ है। अब कुछ प्रश्न विचार आपके हो जो भी उचित समझे रख सकते हैं। ओम हम ब्रह्म स्वामी जी, क्या ईश्वर के वश में हमारा मस्तिष्क भी है?
देखिए ईश्वर के बस में तो सब कुछ है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, परंतु ये ध्यान रखें उसके बस में तो सब है, परंतु जो व्यवस्था उसने बना दी है जिसे हम लोग रित कहते हैं उसके अनुसार ही सब कुछ संचालित होता है। विराट सृष्टि ब्रह्मांड भी, सौरमंडल भी, और छोटे छोटे सूक्ष्म कण, सूक्ष्म क्रियाएं भी उस व्यवस्था के तहत, रित के तहत संचालित हैं, उसके बस में है, जो उसने व्यवस्था रित बना दी है उसके अनुसार सबको चलना है, इस अर्थ में उसके बस में है। इसका ये अर्थ बिल्कुल न समझें कि वह सामान्य रूप से, जिसे हम कहते हैं भाई ये हमारा अधिकार क्षेत्र है, ये हमारे बस में है, तो जब हमारी इच्छा जो हो वैसा हम करते रहें, तो संभवतः ईश्वर इस प्रकार से सब कुछ अपने बस में रखकर हस्तक्षेप नहीं करता। वे चाहे हमारा मन मस्तिष्क हो, कोई छोटी सा कण हो, सूक्ष्म हो, विराट हो, सृष्टि हो, सौरमंडल, या उससे भी विराट जो संरचनाएं, आकाश गंगाएं आदि, हम जितना भी जान समझ पाए हैं सब उसके बस में है, परंतु ऋत के अनुसार नियमों द्वारा संचालित है, उसका हस्तक्षेप सामान्यता नहीं होता, ऋत का उल्लंघन नहीं होता, ये हम लोग जानते हैं और चर्चा करते रहे हैं। और स्वामी दयानंद जी ने भी एक जगह कहा था कि ईश्वर क्या असंभव काम भी कर पाएगा, अर्थात क्या दूसरा ईश्वर बना देगा, इस टाइप का बताया थे महर्षि दयानंद जी ने। तो ठीक है स्वामी जी, समझ में आ गया। देखिए किसी को कुछ कहना हो तो बताएं, अन्यथा समापन करें, विराम तो ठीक नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है तो समापन करें। जी गुरु जी, समापन करते। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम्, ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। गुरु जी नमस्ते, सभी साथियों को नमस्ते। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। कल सायंकाल 7:30 बजे हम लोग वेद कक्षा में पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म ओम।